अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का लोकल फोटोग्राफी गाइड। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू मेक दिस थैंक यू वीडियो, क्योंकि आप लोगों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के 4000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, मगर वो स्टिल इस चैनल की वीडियोस को देखते हैं, तो उन लोगों के लिए दे हैव माय अटमोस्ट रिस्पेक्ट। सेकेंडली, मैं एक मिडवे ट्रांजिशन में हूँ, क्योंकि ना मेरे यूट्यूब चैनल के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ना इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप है कि मैं यूट्यूब की अर्निंग्स के ऊपर अपना लाइफस्टाइल जो है मेंटेन कर सकूँ। तो सम हाउ आई एम इन बिटवीन फ्रीलांस वर्क और यूट्यूब कंटेंट। फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कंटेंट जो है वो पोस्ट करता रहूं, मगर वर्क लाइफ और यूट्यूब के बैलेंस के चक्कर में अक्सर मैं यूट्यूब को पीछे छोड़ देता हूं। तो इस सब के लिए मैं इंतहाई माजरत पाऊँ। तो आई हैव ट्राइड स्पॉन्सर्स, और इसके लिए ऑलमोस्ट मैंने तमाम स्मार्टफोन की कंपनी में किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू अप्रोच किया है और प्रोडक्ट्स बिड किए हैं, मगर स्टिल नो सक्सेस, क्योंकि आइदर या तो उन कंपनीज को स्टडी व्यूअरशिप चाहिए या बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, और मेरे पास अभी दोनों नहीं। और यही एक वजह थी कि मैंने स्मार्टफोन के कैमराज के रिव्यूज़ शुरू किए थे। सो मे बी इन फ्यूचर इंशाल्लाह, देर है मगर अंधेर नहीं है। अब ऑन दी फोटोग्राफी साइड, हमारी कैमराज की मार्केट अभी तक पूरी तरह ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुई, और बहुत से दुकानदारों की नज़र में ये रिव्यूज़ जो थे वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एफर्ट थे। इसी वजह से मैं आज तक न्यू कैमराज के जो है रिव्यूज़ पोस्ट नहीं कर सका, क्योंकि मोस्टली कैमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और एक के बाद दूसरे का रिव्यू करना नियरली इम्पॉसिबल है परचेज़ करके। तब तक इंशाल्लाह मैं टिप्स ट्रिक्स और कुछ पुराने गेयर जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है उसके रिव्यूज़ करता रहूँगा और उनकी वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा। लास्टली, इस वीडियो के एंड पे मैं कुछ अपडेट्स मेंशन करना चाहता हूँ जिन वीडियोज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप जल्द इस चैनल के ऊपर वो वीडियोज़ देखेंगे। उनमें सबसे पहले मैं इस इन्फिनिक्स हॉट 10 के कैमरे का रिव्यू करूँगा, और उसका इन डेप्थ रिव्यू के बाद इंशाल्लाह जो है उसका DSLR के साथ कंपैरिजन करूँगा। पहले मैंने 15,000 से 16,000 की रेंज में न्यू स्मार्टफोन Alcatel 1 SE के कैमरे का रिव्यू किया था। अब उसके बाद मैं 20,000 से 23,000 की रेंज में जो स्मार्टफोन अवेलेबल है उसके कैमरे का रिव्यू करूँगा। ये सम और थोड़ा सा एंट्री लेवल की ब्रैकेट से थोड़ा सा बाहर है। इन कंपैरिजन का पर्पस बिल्कुल सिंपल है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा आ जाए कि किस प्राइस रेंज में आपको किस तरह के कैमरे की परफॉर्मेंस मिलने वाली है। और स्मार्टफोन्स के कैमराज जो हैं वो बेसिकली तीन चीज़ों पर रिलाई करते हैं, एक प्रोसेसर, दूसरा उनकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, और तीसरा सेंसर। तो सेम प्राइस सेगमेंट के मोस्टली स्मार्टफोन्स के अक्सर सेंसर सेम होते हैं। अब उनकी जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और प्रोसेसर के डिफरेंस की वजह से सामान थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है, मगर ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किस प्राइस सेगमेंट में आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। रिसेंटली मेरे एक बचपन के दोस्त की शादी थी, जिसकी फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी दोनों की जिम्मेदारी मेरे सिर पे थी। तो इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर थोड़ी सी वेडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी पोस्ट करूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आइदर वेडिंग फोटोग्राफर्स को अपनी वेडिंग के लिए हायर करना चाहते हैं, या वो लड़के और लड़कियाँ जो अपनी जॉब्स के साथ एज ए साइड बिजनेस वेडिंग फोटोग्राफी को परसू करना चाहते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक टिप्स ट्रिक्स और जो मार्केट के ट्रेंड्स चल रहे हैं और मार्केट के हालात चल रहे हैं और आपको किन चीज़ों को अडेप्ट करना है, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ब्रीफली टच करूँगा, और अगर हो सका तो मैं इन डेप्थ उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। इसके अलावा लाइटरूम में बल्क फोटोज़ को कैसे एडिट करना है ये भी मैं पोस्ट करूँगा। ये टेक्निक स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो उन्होंने इमेजेस कैप्चर किए हैं उनको थोड़ा सा रिफाइन करके अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे जो है उनकी वेडिंग बिजनेस ज़्यादा ब्लूम कर सकता है। अभी बहुत सी ऐसी एपिसोड्स हैं जिन पर मैं पर्सनली थोड़ा सा किसी ना किसी दर्जे में काम कर चुका हूँ, और उनके ऊपर बाकी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह उनको इन फ्यूचर ज़रूर मैं पोस्ट करूँगा। इस अपडेट का पर्पस भी यही था कि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो कि क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चीज़ें अभी मैं जिनके ऊपर वो काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में ज़रूर मेंशन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसके बाद आने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह वो भी चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो अभी के लिए इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बेहद शुक्रिया, और हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मैं हूं आप लोगों का लोकल फोटोग्राफी गाइड, अल्लाह हाफिज़।